आज है 29 जून और मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स द हिंदू में से, जिसमें से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है, सर्च करके। चलते हैं पहले पेज की तरफ। फर्स्ट पेज पे है रिवाइज रिलेशन से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। इस आर्टिकल को पढ़ के आपको क्या करना है कि एनालाइज करना है कि यूएसए कैसे हैंड ट्विस्टिंग कर रहा है इंडिया की, कि वो ईरान से जो है अपना ऑयल ना ले, ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह ना इम्पोर्ट करे। तो आपको इसके लिए हमें ना इंडो ईरान रिलेशंस जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और इंडो यूएस रिलेशंस भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF क्या है, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो GS पेपर 2 जो है ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो जहां आप GS पेपर 2 के करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हैं तो आपको वहीं ये नोट्स डालने हैं, ठीक है, इन चीज़ों पर। फिर चलते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ है, बैटल ओवर से शुरू हो रही है, ठीक है, और ये है बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, ठीक है। तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में मैंने पहले भी नोट्स बनाने को कहा था उसे, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो बुक लिखी थी और उसको और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो बाकी इन्फॉर्मेशन है तो वो मैंने कवर भी की थी, लेकिन आप फिर एक बार रिवाइज करें और कुछ इसमें और एक्स्ट्रा मिलता है तो वो भी लिखें, ठीक है। और मैं भी ट्राई करूंगा क्योंकि कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो है मैं इनके बारे में काफ़ी और इन्फॉर्मेशन जो खोज के ला सकूं, ठीक है। फिर चलते हैं, आपको क्या करना है कि हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है। देखो आज का बहुत न्यूज़ में हिंदुत्व, तो हिंदुत्व पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो राम जेठमलानी जी ने जिसमें केस लड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हिंदुत्व इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदुत्व पे जितनी भी जजमेंट्स मिलती हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और हिंदू नेशनलिज्म क्या है, और हिंदू नेशनलिज्म और बंगाल नेशनलिज्म की बात इस आर्टिकल में की हुई है, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये GS पेपर 1 से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें प्री और मेंस दोनों के GS पेपर 1 जो है उनमें आएगा, ठीक है। और फिर चलते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे टाइगर कपल से एक न्यूज़ शुरू हो रही है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, इनके बारे में और जानना है, ठीक है, कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ कौन कौन से जानवर जो हैं पाए जाते हैं और कितने टाइगर्स रहते हैं, और टाइगर की रीलोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट रिलीज पे भी मैंने आपको नोट्स बनाने को कहे थे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको अगर इन केस टाइगर के बारे में कोई अब डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं कि कितने टाइगर रहते हैं, क्योंकि ये तो बदलते रहते हैं। इनफैक्ट अब बांधवगढ़ से टाइगर रीलोकेट किए गए हैं सतकोसिया में, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको जब इंफॉर्मेशन पता है कि हाँ ये चीज़ है, तो मेंस में आप कहीं ना कहीं ये टॉपिक अड़ जाता है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये GS पेपर 1 यानी ज्योग्राफी पार्ट और GS पेपर 3 यानी एनवायरनमेंट पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है राइजिंग टेम्परेचर से शुरू हो रहा है, ठीक है, एक न्यूज़ हेडलाइन राइजिंग टेम्परेचर से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देखना है, ठीक है, कि कैसे स्टैंडर्ड, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो ये GS पेपर 1 यानी ज्योग्राफी और पेपर 3 यानी हमारा जो एनवायरनमेंट पार्ट है उससे रिलेटेड है। इनफैक्ट ये GS पेपर 2 से भी रिलेटेड कह सकते हो क्योंकि ये उससे रिलेटेड है इकोनॉमी से, बट ज़्यादातर जो है ना, नहीं सॉरी, GS पेपर 3 में इकोनॉमी जो है उससे रिलेटेड है, पेपर 3 में इकोनॉमी से भी, एनवायरनमेंट से भी और GS पेपर 1 में, ठीक है। फिर चलता है पेज नंबर 8 पे एक न्यूज़ आया है सिंकिंग रुपी से, ठीक है। वो आपको GS पेपर मतलब ये एडिटोरियल है, इसमें क्या है कि GS पेपर 3 से रिलेटेड है कि रुपी कब सिंक करता है और रुपी की वैल्यू कब बढ़ती है कब घटती है, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको पता होने चाहिए। ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में जब आप एनालिसिस कोई एनालिटिकल आंसर लिखते हैं, ठीक है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको मतलब बिल्कुल अच्छी तरह आपके अंदर इनग्रेंड होना चाहिए कि रुपी कब कब सिंक करता है, रुपी कब कब राइज करता है, ठीक है। अब चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। इसमें देखिए क्या है कि इसमें तीन लोगों के व्यूज़ दिए हुए हैं कैन इंडियन फुटबॉल, इसमें क्या है कि इंडियन फुटबॉल जो है इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए अगर स्पोर्ट्स पे कोई आ जाता है क्वेश्चन, या खासकर एसए, ठीक है, जो एसए से रिलेटेड जो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भी उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इनमें जो व्यूज़ लिखे हुए हैं ना, तो आप ये डाल सकते हैं ये व्यूज़,
ठीक है, इनसे पढ़ के आप व्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे बॉक्स में दिया ओल्ड वर्सेस न्यू। मैंने आपको कल बोला था ना कि यूजीसी और एचईसीआई जो है, जो एचईसीआई का ड्राफ्ट बिल निकला है, ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, यूजीसी और एचईसीआई का जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसके बारे में अगर आपने नोट्स जो हैं बनाए थे या नहीं बनाए तो बना लो। अगर आपने बनाए थे तो अगर आपको ऐसे लगता कि कोई चीज़ मिस हो गई थी, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है, तो ये आप उससे अपडेट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने सब कुछ किया हुआ है तो भी जो है आप रिवाइज कर, आपकी रिविजन हो जाएगी इसमें। फिर चलते हैं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे जो है इस बायोडाइवर्सिटी से एक आर्टिकल शुरू हो रहा है, न्यूज़ आर्टिकल। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आर्टिकल पूरा का पूरा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे आपको नोट्स बनाने हैं। ये शंकर आईएएस की जो किताब आती है उसमें भी बहुत अच्छी तरह है, या किसी भी आप एनवायरनमेंट की बुक देखेंगे तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरह दिया होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन थी। ठीक है, और साथ ही साथ ना आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि इक्विटेबल शेयरिंग और बेनिफिट्स क्या है, ये आपको समझ होनी चाहिए इस चीज़ की। मतलब इसका सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि आपको इसका बेसिक मीनिंग समझना चाहिए, ये मेंस में बहुत फिर काम आएगा। और ये क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो ये जीएस पेपर 1 से भी है और जीएस पेपर 3 से भी है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी पूछ सकते हैं ना ये। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।